Hello everybody. Myself Professor Suresh Azbe from Sdsm Junior College Palgar. Welcome you all in today's lecture. Today we are going to discuss about wave ऑप्टिक्स इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स कुछ याद आ रहा है देखा है कभी एक माइक्रोस्कोप है और दूसरा टेलीस्कोप है इसका मतलब क्या है टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप Out of these two, first we are going to study about this instrument that is microscope. There means we are discussing about resolving power of microscope. So this is the actual diagram of the microscope. There, if we consider about the ray diagram, this is रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाई माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप यहां पर आप लोगों ने देखा है ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस तो यहां पर ऑब्जेक्टिव है एंड दिस इज आईपीस दैट रिमेंबर देर ए ऑब्जेक्टिव ए आईपीस ओके यहां पर जो ट्रे है यहां पे ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस नॉर्मली वी आर टू रिमेंबर वी आर डिस्कस अबाउट दिस टर्म्स आर देयर तो रिलेटेड टू दिस रिजोल्यूशन पावर या रिजोल्यूशन वी आर टू कंसिडर अबाउट दिस डायग्राम नॉट दिस वन ओके ना लुक एट दिस फिगर ए शोज

जो नॉर्मली हम लोग बायोलॉजी के लैब में यूज करते हैं वो जो माइक्रोस्कोप है उनमें मीडियम होता है एयर यहाँ पे एयर मीडियम होता है नॉर्मल कंडीशन में एयर होता है बट टू गेट द हायर रिजोल्विंग पावर वी कैन यूज दैट इज अदर मीडियम देन दैट ऑफ एयर दैट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑयल्स आर देयर ठीक है तो उनका रिप्रोडक्टिव इंडेक्स एन है दैट यू टू रिमेंबर देयर तो ये जो ऑब्जेक्टिव दिखाया है जो इसमें ऑयल फिलअप किया जाता है उनका साइज और शेप इस तरह से होता है ठीक है यहां पे हम लोगों को लेंस है और इसमें ये जो पोजीशन है यहां पे ट्रांसपेरेंट ऑयल फिल किया जाता है ठीक है तो एक एंड पे ऑब्जेक्ट है दूसरे एंड पे ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट यहां पे लेंस आएगा तो ये टर्म हम लोगों को याद रखना है इसमें इसके अंदर हम लोग ट्रांसपरेंट ऑयल फिल करते हैं जिसका रिप्रेक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने यहां पे कंसीडर किया है एन तो यदि हम लोग एयर यूज करते तो एन का वैल्यू वन आता इट इसलिए अभी रिप्रेक्टिव इंडेक्स एन है इसलिए वेवलेंथ जो एयर में है उसका वेवलेंथ यहां पे क्या हो रहा है देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सोर्स इन द मीडियम इज लैमडा एन एन सफिक्स है वो याद रखना लैमडा एन इज नथिंग बट द वेवलेंथ ऑफ लाइट

उससे ओ एंड ओड दिज आर ऑब्जेक्ट आर देयर एंड ड्यू टू दिस वन वी आर गेटिंग पैटर्न और जिसको हम लोगों ने आई रिज रिंग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज अज डिस एंड रिंग आर देयर ड्यू टू ओ एंड ओ डैश ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू रेलिक्स क्राइटेरियन जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रैलिस क्राइटेरियल ये दो डायफ्रैक्शन पैटर्न्स है ये इन दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा है तो रैलिस क्राइटेरियल क्या इंडिकेट करता है सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन डायफ्रैक्शन पैटर्न ओवरलैप विद फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ द ऑर्डर ठीक है ये यहां पे ओबे हुआ है इसीलिए अकॉर्डिंग टू रैलिस क्राइटेरियल क्या लिखा देखो फर्स्ट डार्क रिंग अभी डायफ्रेक्शन पैटर्न में मैंने आपको बताया यहां पर इन द टर्म्स ऑफ अ डिस्क और रिंग फर्स्ट डार्क रिंग ड्यू टू ओ डैश शुड को इंसाइड विथ आई एंड दैट ऑफ ओ शुड कोइनसाइड विथ आई डैश मतलब पहले का फर्स्ट डार्क रिंग दूसरे के सेंट्रल डिस्क के ऊपर ओहरलैप होना चाहिए तब वहां पे उसको रेलिस क्राइटेरियन फॉलो किया ऐसे हम लोगों ने ऑल डिस्कस किया था ठीक है और ये यहां पे फॉलो किया है ऐसे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है? देन फिर से वही डायग्राम मैंने यहां पे ले लिया है, तो क्या होगा देखो आर गेटिंग देयर तो

और ओ ओड से निकलने वाले रेज ऐसे निकलेंगे ठीक है नाउ एट दिस पोजिशन देयर ये जो हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन द पाथ डिफरेंस वी कैन एबल टू गेट दैट देर विल बी अ सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा दैट वी टू दैटिडर देयर नाउ एज पॉइंट आई इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ओ तो ओ से सिमेट्रिक कौन सा है आई है एंड दैट्स द वायथ ओ एंड बी आई आर इक्वल ओके दस द एक्चुअल पाथ डिफरेंस इज यदि यह इक्वल है तो हम लोगों का एक्चुअल पाथ डिफरेंस क्या रहेगा ओडे बी ये जो ज्यादा डिस्टेंस है ओडैश बी माइनस ओड ए इन दोनों का जो भी डिफरेंस है दट इज एक्चुअल पाथ डिफरेंस ठीक है नाओ इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्या किया देखो वो आओ कंसिडर अबाउट दट इज अ फिगर बी यहां पे क्या दिया देखो द एनलार्ज व्यू ऑफ रीजन अराउंड ओ एंड ओ डैश इन फिगर देयर इस फिगर का सिर्फ इतना पार्ट इट यहां से इतना ही पार्ट हम लोगों को याद रखना है तो सिर्फ इतना पार्ट आप लोग याद रखो कि मैंने जो सर्कल किया है उतना पार्ट यहां पे एनलार्ज करके दिखाया

O से भी मूविंग टूवर्ड्स एड से मूविंग टूवर्ड्स बी ओडैश से मूविंग टूवर्ड्स बी देर तो हम लोगों को यहाँ पे अल्फा अल्फा दीज आर हियर इट इज इफ वी आर ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ओड ए प्रोड्यूस दैट इज अ अयर ओके और ओडी दैट इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन हियर इट इज तो हम लोगों को ऐसे ट्रायंगल मिलेगा एंड इफ वी आर ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन दैट इज अड बी then whatever this perpendicular distance is there these perpendicular distances represent the path difference there. Now if we consider about these two triangles are these two triangles are congruent same angles perpendicular is there common side is there okay and thats why if we consider about any one triangle is here it is suppose it, it is 90 degree there d angle if we consider about we want to find out this o dash d distance okay therefore what happens? if we take the sine alpha there then what we are getting od upon o dash o that means o dash d is equal to o o dash into sine alpha but as we are well known that o o dash is a that's why what we are getting this distance becomes that is a a sine alpha that is o dash d is a sine alpha similarly o dash c is

ठीक है फर्स्ट कंडीशन इज दैट माइक्रोस्कोप अ पेयर ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज अ डार्क ऑब्जेक्ट जो नॉर्मली हम लोग बायोलॉजी लैब में यूज करते हैं जो माइक्रोस्कोप है नॉर्मली हम लोगों को ऑब्जर्वेशन uh, के लिए विंडो के नजदीक रखना पड़ता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा सनलाइट उसके मिरर के ऊपर गिरता है ठीक है या जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर गिरेगा ओके सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज अ नॉन ल्यूमिनस

तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हर एक को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे एंड ईच पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूसिंग रिंग इन देयर देयर ऑफन द आई पीस इज फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो हम लोगों ने शुरू में कंसीडर किया है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट इज ऑयल इज फिल्ड इन द आई पीस इज देयर ठीक है

इज़ इक्वल टू लैमडा अपॉन एन इट तो ये इक्वेशन हम लोगों को याद रखना है वी आर वेलन अबाउट इंडेक्स का डेफिनेशन हम लोगों को इलेवंथ में हम लोगों ने डिस्कस किया है इंडेक्स

पहले का डार्क रिंग यदि दूसरे के सेंट्रल डिस्क के ऊपर को इंसिडेंट होता है तब वहां पे पाथ डिफरेंस कितना होता है इट इज लैमडा एन देर फोर ये आयरिस ने बताया Got it? तो यहां पे यदि ये इक्वेशन हम लोग मैच करते हैं इन प्रीवियस डिफरेंस के लिए बाय प्रीवियस डायग्राम वी आर ऑब्जर्व दैट डिफरेंस इज टू ए साइन अल्फा। और यहां पे हम लोग बोल रहे पाथ रिफरेंस इज लैमडा एन दैट इज अकॉर्डिंग टू रेलीज क्राइटेरियन तो ये दोनों यदि इक्वेशन हम लोग इक्वेट करते तो हम लोगों को टू ए साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू लैमडा अपॉन एन लैमडा एन का वैल्यू है लैमडा अपॉन एन देअ फोर ए इज इक्वल टू कैमेरा देखो इस इक्वेशन से टू साइन अल्फा हम लोगों ने इस साइड ले लिया तो लैमडा अपॉन टू एन साइन अल्फा हम लोगों को ऐसे मिलेगा ठीक है आउट ऑफ दिस वन यदि मैंने एन साइन अल्फा उसके जगह पे एन ए न्यूमेरिकल अपर्चर ऐसे लिखा तो लैमडा अपॉन टू इंटू एन एक्टर एन साइन अल्फा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर इट इज डिनोटेड बाय दैट इज डिटेड बाई दल्सो ओके तो ये हम लोगों को इक्वेशन टू मिलेगा दैट इज एज इक्वल टू एंड यहां पर जो ए है दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ठीक है सो दैट दे आर जस्ट या दे आर ओबिंग या एक्टिंग एज अ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन गॉट इट तो ए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यहां पे बन रहा है गॉट इट तो हम लोगों को मालूम है वॉट इज अ रिलेशन बिटवीन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच ऑर्डर इसीलिए हम लोगों को क्या मिला देखो द रिजॉल्विंग पावर कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू वन अपॉन ए एंड दैट इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हम लोगों ने ले लिया तो टू एन ए अपॉन लैमडा दैट इज इक्वेशन थ्री एंड दैट इज नथिंग बट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप यदि हम लोगों ने इस इक्वेशन को ऑब्जर्व किया तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ गॉट इट एट द सेम टाइम इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल अपर्चर दैट इज नथिंग बट द साइज ठीक है तो हम लोगों को ए भी टर्म हम लोगों को याद रखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द है तो ये इक्वेशन थ्री हम लोगों को मिला है इज फॉर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनको खुद का लाइट नहीं है ठीक है अब जिनको खुद का लाइट तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है माइक्रोस्कोप जिनको खुद का लाइट नहीं है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के लिए अब हम लोगों को डिस्कस करना है माइक्रोस्कोप विद सेल्फ ऑब्जेक्ट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू एबेस लुमिन फॉर अ पेयर ऑफ सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स द पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रेज एट द फर्स्ट डार्क रिंग इज गिवन बाय वन पॉइंट ठीक है जो

तो दस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ जस्ट रिजोल्यूशन और दैट इज टू ओबे द दूबे क्राइटेरियन द कंडीशन वी आर गेटिंग टू ए साइन अल्फा दू वन पॉइंट ट्वेंटी टू लैमडा एन ठीक है तो इसको जो पाथ डिफरेंस को मल्टीप्लाई या इक्वेट किया हम लोगों ने टू ए साइन अल्फा के साथ दन पॉइंट ट्वेंटी टू लैमडा दे ठीक है अब यहां पे यदि हम लोग वैल्यू सब्चूट करते तो क्या मिलेगा देखो a इज इक्वल टू ये इधर से इधर सब टर्म्स निकल गए तो 1.22 पॉइंट ट्वेंटी टू लैमडा एन अपॉन टू साइन अल्फा ठीक है अब लैमडा एन के जगह पे यदि हम लोगों ने a वैल्यू सब्चूट किया जो हम लोगों ने प्रीवियस टर्म या प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था लैमडा एन ज इक्वल टू लैमडा अपॉन ए दट इज डे बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिवाइड किया तो हम लोगों को कितना मिलने वाला है ये इक्वेशन नीचे लिखाई देखो ए इज इक्वल टू जीरो बट एज वी आर वेल नोन दैट

न बी एचूड बाई यूजिंग एन ऑयल फील्ड ऑब्जेक्टिव मीन्स जो पहले डायग्राम में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लेने बताया था या ऑयल इमोशन माइक्रोस्कोप देयर तो ए का वैल्यू कम होने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे एन है इसका वैल्यू बढ़ना चाहिए तो एन का सबसे कम वैल्यू है एयर के लिए दैट इज वन इससे ज्यादा ही होगा दैट फॉर ऑदर ट्रांसपरेंट ऑयल्स आर देयर तो जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ए दैट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होते जाएगा एंड वी आर गेटिंग मोर रिजॉल्विंग पावर ठीक है नाउ विच प्रोवाइड हायर वैल्यू ऑफ एन जो आप लोगों ने यहां पे बताया सच माइक्रोस्कोप इज नोन एज ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप उस माइक्रोस्कोप को हम लोग नाम क्या देते हैं ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप जिसका रिजोल्विंग पावर ज्यादा है ठीक है तो माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया अब जाते जाते आपको अब एक टर्म याद रखना है माइक्रोस्कोप के लिए क्या है दट इज ऑन विच फैक्टर रिजोल्विंग पावर डिपेंड्स इट डिपेंड्स अपॉन दैट इज अ टू फैक्टर्स आर देयर फर्स्ट थिंग इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ठीक है एंड सेकेंड थिंग इज देयर इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव दीज आर दू टर्म्स दैट रिमेंबर ठीक है साथ में न्यूमेरिकल अपरचर के ऊपर डिपेंड है क्योंकि न्यूमेरिकल अपरचर एम के ऊपर डिपेंड है और साथ में दट इज अंगल एंगल एंगुलर रिजोल्यूशन देर तो ये छोटे टर्म्स एक साथ आ जाती है न्यूमेरिकल अपरचर में लेकिन ये दो मेन फैक्टर्स आपको अच्छे से याद रखना है ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अब दिस टॉपिक जो आप लोगों को डायग्राम सामने दिख रहा है देखो ये है टेलीस्कोप ओके नाउ वी आर टू डिस्कस अबाउट रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप देर तो ये एक्चुअल डायग्राम है टेलीस्कोप का अब देखो ये जो लेंस है सामने वाला फ्रंट वन दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे जो लेंस है जहां से हम लोग देखते हैं स्टार्स को ये है आई ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस दीज आर द टू लेंसेस फॉर द टेलीस्कोप देयर ठीक है तो इसका रे डायग्राम जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये आ गया रे डायग्राम देखो इज अ अ रिजोल्यूशन बाय लेकिन रे डायग्राम में आप लोगों को एक ही लेंस दिखाया है ठीक है एंड दैट इज ओनली ऑब्जेक्टिव ये जो लेंस है वही दिखाया है. Right? अब इसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है क्या है देखो नाउ पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप का the reciprocal of the least angular separation between the objects that are just resolved is called resolving power of a telescope ठीक है रिजोल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप का ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ लिस्ट एंगुलर सेपरेशन या आप लोग उसको बोल सकते हो दैट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ठीक है दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है रिजोल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तो ये डेफिनेशन फिर से यहां पे हम लोगों ने लिखा है अब देखो टेलीस्कोप आर यूज टू सी डिस्टंट स्टार्स आर लाइक ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर अस माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने दो पार्ट डिस्कस किए थे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर देयर लेकिन टेलीस्कोप के लिए हम लोगों को नॉर्मली कंसीडर करना है ओनली ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर बिकॉज स्टार्स आर ल्यूमिनस ठीक है नाउ फिगर शोज ऑब्जेक्टिव ए बी ऑफ अ टेलीस्कोप ट इज दिस जो दिखा है जैसे शुरू में मैंने बताया दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप देयर एंड रिसीविंग टू सेट ऑफ पैरल लाइन है दट इज अनादर सेट ये जो रेज है जो आए ओके okay, ये कहां से आए देखो पैरल बीम्स फ्रॉम टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अभी स्टार्स विथ एन एंगुलर सेपरेशन थीटा तो इन दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना है थीटा है। ये दो अलग अलग स्टार से हम लोगों को दो रेज मिल रहे ठीक है जिनमें एंगुलर सेपरेशन थीटा है। तो इनको हम लोगों को रिजोल्व करते हुए देखना है तो यहां से जो रेज जा रहे हैं ओके आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू दिस ए बी देर दे आर फॉर्मिंग हियर डार्क रेज डार्क बीम दैट इज प्रोड्यूसिंग इमेज एट आई प्रोड्यूसिंग इमेज एट आई डैश ठीक है तो ये पार्ट है आई का डायप्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे दीज आर नट देंट्रल मैगज ऑफ आई एंड आई डैश जो आगे के स्लाइड में आप लोगों को डिस्कस करना है ठीक है तो ये अच्छे से याद रखो दट इज अज आर द टू डायप्रैक्शन पैटर्न देर अकॉर्डिंग टू रेलिज क्राइटेरियन द मिनिम सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस आई एंड आई डैश मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट आई डार्क आयर इज रिंग जो हम लोग रेलिस क्राइटेरियन डिस्कस करते समय डिस्कस किया था हम लोगों ने ओके व्हाइट इज बिकॉज रेलिज क्राइटेरियन कब होता है फर्स्ट डार्क रिंग मस्ट बी कोइंसाइड विदर्स्ट ब्राइट डिस्क ये दोनों के लिए होना चाहिए इसीलिए वहां पे रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क आई रेज रिग है द पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रेज एट द फर्स्ट डार्क रिंग इज गिवन बाय 1.22 लैम्डा ओके एज वी आर बायडा इन प्रीवियस टर्म आल्सो माइक्रोस्कोप के लिए भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था दैट इज अकॉर्डिंग टू द एबे वी आर गेटिंग दिस फॉर सेल्फ ऑब्जेक्ट्स द पाथ डिफरेंस इज 1.22 लैम्डा ट्वेंटी जो डायग्राम के हिसाब से हम लोगों को मिल रहा है 1.22 लैम्डा अपर्चर ऑफ द टेलीस्कोप अपर्चर इसका मतलब क्या है यहां पे लिखा है diameter a, objective lens. Okay? जो ऑब्जेक्टिव लेंस है सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहां पे लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस अ डायमीटर

लाइट जो हम लोग यूज कर रहे हैं जितना उसका वेवलेंथ कम होगा उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है दैट इज द टर्म दैट यू रिमेंबर तो ये टर्म आप लोगों को इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद रखना है वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजोल्विंग पावर मींस इस इक्वेशन से हम लोगों को रिजोल्विंग पावर मिला लेकिन अब देखो क्या है दस टू इंक्रीज रिजोल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप फॉर अ गिवन वेवलेंथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए यदि हम लोग कंसिडर करते तो रिजोल्विंग पावर इंक्रीज करने के लिए क्या होगा वी हैव टू कैपिटल डी इट्स ऑब्जेक्टिव दैट इज अपर्चर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल तो जितने ज्यादा डायमीटर का लेंस हम लोग यूज करेंगे उतना ज्यादा रिजोल्विंग पावर हम लोगों को मिलने वाला है ठीक है तो अब ये करने में हम लोगों को क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखो अब इसीलिए यहां पे रिमार्क दिया है ये जो लास्ट सेंटेंस है एज लार्ज एज पॉसिबल ऑब्जेक्टिव मोर्च बी शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल इस ये तो हम लोग को ने इस इक्वेशन से ले लिया लेकिन ये करने में क्या क्या तकलीफ आती है वो यहां पे रिमार्क दिया देखो क्या है रिमार्क क्या इंडिकेट करता है यूज ऑफ अ लार्ज लेंस इन वर्ड्स डिफिकल्टीज सच एज एवेरियशंस इनिशियल मोल्डिंग ऑफ द लेंस पोस्ट लॉन्च इश्यूज सच एज हेवी मास फॉर चेंजिंग द सेटिंग जैसे हम लोग बड़ा लेंस बनाएंगे वैसे वैसे उसमें हम लोगों को कुछ डिफिकल्टीज आएंगी okay, तो एबरेशन ऑप्टिकल मिस्टेक्स एर हम लोग उसको बोल सकते नॉट एक्चुअली मिस्टेक्स आर देर दैट इज अप्टल एर दैट इज एब तो वो आ, आ जाती है हम लोग उतना बड़ा लेंस बना नहीं सकते लेंस बनाने के बाद उसका मास बढ़ने वाला है उसकी वजह से उसका सेटिंग चेंज होने वाला है या वो वहां पे पोस्ट लॉन्च इश्यूज होंगे उतना रख नहीं पाएंगे रखने के बाद भी तकलीफें है ओके एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से तो ये सब आ जाता है इसीलिए हम लोगों को रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप के लिए हम लोगों को रिजॉल्विंग पावर के लिए कुछ लिमिटेशंस है ओके okay, तो ये लिमिटेशन या उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं देखो द प्रेफर्ड अल्टरनेटिव इज टू यूज अ फ्रंट कोटेड कर्ड मिरर एज द ऑब्जेक्टिव एंड नोन एज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इस टाइप का टेलीस्कोप हम लोग यूज करते हैं दैट इज लेंस के जगह पे हम लोग मिरर यूज करते ठीक है दैट इज अ कर्व्ड मिरर एंड उस टाइप का टेलीस्कोप को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप देयर व्हिच इज आउट ऑफ सिलेबस ठीक है लेकिन सिर्फ यहां पे समझने के लिए आप लोगों ने एक टर्म या एक कांसेप्ट uh, वाइज हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा डिटेल में हम लोगों को यहां पे इस साल नहीं है ऑलराइट नाउ अब ये जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप है इसको रिमूव करने के लिए और एक टाइप का या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के जगह पे दूसरा एक रेडियो टेलीस्कोप हम लोग यूज करते हैं लोगों को स्टडी करना है ठीक है दैट इज रेडियो टेलीस्कोप मतलब ये रेडियो टेलीस्कोप क्या है वो डिस्कस करते हैं अब देखो क्या है एज वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स आर लार्ज देयर फोर डायमीटर ऑफ द रेडियो टेलीस्कोप शुड बी वेरी लार्ज एटलीस्ट सम किलोमीटर ठीक है मतलब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था रिजोल्विंग पावर किसके ऊपर डिपेंड है वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ बढ़ गया तो डायमीटर का साइज हम लोगों को और बढ़ाना पड़ेगा तो भी हम लोगों को वो रिजोल्विंग पावर मिलेगा ठीक है तो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए हम लोगों का लेंस का डायमीटर साइज ज्यादा होना चाहिए कितना है देखो यहां पे एटलीस्ट सम किलोमीटर कुछ किलोमीटर का लेंस हम लोगों को बनाना पड़ेगा ठीक है एंड इट इज नॉट पॉसिबल इट नाउ अ सिंगल डिस्क ऑफ सच अ लार्ज डायमीटर इज इम्प्रैक्टिसिबल ठीक है इम्पॉसिबल दैट यू आर रिमेंबर दे आर इम्प्रैक्टिसिबल इतना पॉसिबल नहीं है इन सच अ केस एरेज ऑफ एंटीना स्प्रेड ओवर सेवरल किलोमीटर आर इसके एक लेंस के जगह पे हम लोग क्या करते हैं वी आर यूजिंग दैट इज अ डिफरेंट एंटेनाज आर देर दैट इज कॉल्ड एज एरेज ओके सेवरल लेंसेस

जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप जी एम आर टी लोकेटेड एट पुणे यूजेस एन एरे ऑफ थर्टी डिशेस ईच ऑफ फोर्टी फाइव मीटर डायमीटर, हर एक का फोर्टी फाइव मीटर डायमीटर इतना साइज है और ऐसे कितनी डिशेस है दैट इज अ थर्टी डिशेस आर देयर ओके फोर्टी फाइव मीटर दैट यिमेंबर देयर ट दैट इज नियर अबाउट वन थर्टी फाइव फिट डायमीटर है हर एक काटेट नाओ अब समझने के लिए देखो यहां पर मैंने डायग्राम दिखा है दिस इज नथिंग बट द वन डिश ठीक है तो एंड वी आर गेटिंग दिस इज नथिंग बट द एक्चुअल डायग्राम ऑफ दिस जीएमआर टी देर देर आर डिफरेंट

तो रेंज कैसे जैसे हम लोगों ने बोला है कि ऊपर जैसे रिजोल पावर डिपेंड किसके ऊपर करता है? वेवलेंथ के तो यहां पे वैसे ही है. कितना किया है. Okay? तो फ्रीक्वेंसी से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते है. तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दे आर अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 50 मेगा से हम लोगों को आर्क आर्कसेक इतना एंगुलर रिजोल्यूशन मिलता है यदि 50 मेगा के जगह पे 1.4 पॉइंट इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वेव हम लोगों ने यूज किया दे एट दैट टाइम द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अचीवेबल इट इज अ टू ओके दैट

वैसे ही हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये आर्क आर्कसेक आता है दैट इज थ्री सिक्स जीरो पार्ट ऑफ अ वन डिग्री दैट इज वी हैव टू रिमेंबर गॉट इट तो ये जी एम आर टी दैट इज फॉर द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इट समझ में आ रहा है रेडियो टेलीस्कोप मीन एक पर्टिकुलर लेंस यूज करने की जगह पे हम लोग यहां पे यूज करते दैट इज एन एरे एरे ऑफ एंटीना देयर ठीक है तो टुडे वे आर डिस्कस अबाउट दैट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप देयर थैंक यू